करवा चौथ व्रत के दिन चांद का इंतजार करती महिलाओं के लिए सबसे बड़ी बेसब्री चांद के उदय होने को लेकर होती है। लेकिन इस बार देश के कई इलाकों में मौसम बदलने के कारण चांद दिखाई देने की संभावनाएं कम हो गई है। दोस्तों, अगर आपके शहर में भी मौसम खराब होने की वजह से आपको चांद नहीं दिखाई दे रहा है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हर परेशानी का हल होता है। इसके लिए तीन समाधान हैं। पहला, सबसे पहले तो थोड़ी देर और वेट कीजिए आप। क्या पता चांद बादलों में छिपा हो, थोड़ी देर बाद आपको दिख जाए। लेकिन वेट करते करते आप थक जाए, फिर भी आपको चांद दिखाई न दे तो आप अपने किसी करीबी रिश्तेदार को कॉल करके उनसे पूछ ले कि उनके यहाँ चांद दिखाई दे रहा है या नहीं। अगर चांद दिखाई दे रहा है तो आप उन्हें वीडियो कॉल कर चांद का दर्शन करें, अर्घ दें, फिर व्रत का पारण करें। पर अगर मौसम खराब होने के कारण नेट सही से नहीं चल रहा है तो इसके लिए दूसरा ऑप्शन भी है। आपके घर में भगवान शिव का कोई ऐसा फोटो हो जिसमें उनके मस्तक पर चंद्रमा साफ साफ दिखाई दे रहा हो, तो भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा का दर्शन करें, उनकी पूजा करें, फिर उनसे क्षमा याचना करें। इसके बाद पति की पूजा करके व्रत पूर्ण करें। दोस्तों, अगर ये दोनों विधि आपसे न हो पाए तो आप घबराएं नहीं, इसके लिए भी समाधान है। आप पहले अपने शहर के चंद्रोदय का सही समय जान ले, उसके बाद पूजा का एक छोटा सा चौकी ले। पूजा का छोटा चौकी भी ना हो तो आप किसी प्लेट के ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं, फिर उसके ऊपर चावल से चंद्रमा की आकृति बनाएं। इसके बाद ओम चतुर्थ चंद्राय नमः, क्या है मंत्र? ओम चतुर्थ चंद्राय नमः, इस मंत्र का जाप करें, फिर चंद्रदेव का आवाहन करें, फिर पूजा करने के बाद व्रत पूर्ण करें। दोस्तों, इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही। आगे आपके जो भी प्रश्न हो या सुझाव हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करें, और ऐसे ही धार्मिक वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल अजा भक्ति को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।